हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजना रेसिपी। आज हम दही सैंडविच बनाएंगे, कर्ड सैंडविच। तो आइए हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए। तो आइए, दही सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। ये हमने दही ली है, दो चम्मच दही ली है। ये ब्रेड ली है, कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं आप। ये हमारा चॉप्ड टमाटो, चॉप्ड ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, चॉप्ड कुकुम्बर। तो आइए इन सब चीज़ों को इसमें हम मिक्स करेंगे। मैंने मिक्स कर ली है, अब मैं इसमें डालूँगी सैंडविच के लिए। मैंने इसका बॉर्डर नहीं काटा है, आप अगर काटना चाहते हो तो काट सकते हो। नहीं काटा है मैंने इसको। ये हमने लगा लिया है मसाला। अब मैं इस ब्रेड पे, जो इसको ऐसे कवर करूँगी, मैं इस पर थोड़ा सा घी ग्रीज करूँगी। मैंने घी ग्रीज कर ली है, अब हम इसको इस तरह से कवर करेंगे, इसे प्रेस करेंगे हम। अब ऊपर भी मैं घी ग्रीज करूँगी, जो हम सेकेंगे उसके ऊपर हम घी ग्रीज करेंगे इसे। आप बटर भी कर सकते हो, जो आप अच्छा लगे, या तो तेल, कुछ भी। अब हम जिस तरफ घी ग्रीस किया है उस तरफ हम सेक लेते हैं। पहले तवा गर्म हो रहा है मेरा, ये हमने सेकने के लिए रख दिया है। अब हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे, ध्यान से पलटना पड़ेगा। ये देखिए, हमारा दही सैंडविच बनकर तैयार है। अब हम इसको सैंडविच के शेप पे ऐसे काटेंगे, ट्रायंगल के शेप पे। तो आइए हम काटते हैं पहले। ये देखिए, मैंने काट दिया है, देख लीजिए हमारा दही सैंडविच। अब हम इसको किसी चटनी के साथ खाएंगे। ये देखिए, खाने के लिए रेडी है। ये मैंने टमाटर की चटनी रख ली है, इसके साथ मैं इसको खाऊंगी। तो आप भी बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है, हेल्दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।